भरे भरे बोली मार श्रीवास्तव, ये 10 रुपया हमारे लिए, वो 10 रुपया तुम्हारे लिए। कहना है भूखो नहीं रहने देंगे, पैसा चाहे कितना भी खर्च हो जाए। अरे प्रीत करो तो करो सरजना सही, ये बाड़े तुम्हारे क्रोध मोह हो गया भैया, बैरा करो तो करो चतुरमसै गबहू ना लागे कपट। ससुराल में जाओगे, किसी ने कही है ससुराल और सुख की सार, ससुराल और सुख की सार। तुम्हें जब मालूम है ससुराल में एक दिन तुम्हारे मलिदा मिलेंगे खाने को, ठीक, और दूसरे दिन का वो दूसरे दिन मिलेंगे, और तीसरे दिन नंबर पता है। कहते हैं ससुराल सुख की सार पर दिना तो चार, ससुराल सुखी सार दिना दो चार, और ज्यादा रुक जाओ तो भैया जूता लगे। सही कह रहे हो भैया, तुम सही कह रहे हो। प्रिय रानी कहने थी चलोगे, अरे चलो चलेंगे असल कहा है, अरे चौबीस बस करो रे दुनिया। हेलो, ये आ गए हमारे भैया जय सिंह श्रीवास्तव कुर्रा की तरफ से। आज हमारा प्रोग्राम ये कुर्रा में हो रहा है, ये 20 रुपया हमारे लिए और 20 रुपया हमारे ये रानी तैनाती के लिए, 20 रुपया बूढ़े बाबा को, और ये चलो 20 रुपया हमारे बूढ़े बाबा के लिए अपनी तरफ से हम काम करते हैं। और क्या है, और रानी तैनाती घोड़ा दो। अरे सब चीज दी हमने, दान दज में घोड़ा दे, हाथी दे, माल खजाना दे, कोई कमताई थोड़े ही ना है। हाथियों दे दो, अरे हाथियों दो, फिर मुने दिन क्यों ना दो। अब पूछ लियो मेरे बालो श्री राजानल और रानी तैमेती,
आप दोनों प्राणी हैं कहाँ, बहन के देश महानगर के लिए जाते हैं और क्या, और ये 10 रुपए कलम बंद स्पेशल तौर से हमारे भैया वो जाने पहचाने श्रीवास्तव जी, जय सिंह भैया स्पेशल तौर से 10 रुपए तो हमारे लिए और 10 रुपए तुम्हें दोनों जनों को है। अजा कहिए कि दोनों जने भैया देखो भादों को महीना है, हैं ऐसी कोई बात ना है, परेशानी कछ ना है, प्रोग्राम है, नोट की कमी ना है, नोट तो बहुत तेरो लेकिन नोट बकरियां ना खाती है, चिंता मत करो तुम्हारे दुख दूर हो जाए। और मार साहब क्या बात है, जैसी भैया की छाप लगेगी, बोले अरे राजा भ्रात मेरे यतला ओए राजा धामी एक लवन जय सिंह श्रीवास्तव 20 रुपए स्वयं मेरा कहना है मास्टर। अरे देखो हमारे बहनोई और बहन का बगीचा है। अच्छा, और तुम भी थक गई होगी। हाँ। क्यों महलों की रहने वाली, और बताओ, और देखिए आज पैदल आश्रा कर रही हो। महाराज तुम्हारी जिज्जी का बगीचा फूल हो तो खूब है। हाँ बढ़िया है बगीचा। डॉक्टर साहब राकेश कुमार साहब ये 100 रुपया 50 रुपया दे रहे हैं। और देखिए इसमें कोई है माली वाला, देखो। हाँ माली होगा, मैं देखेंगे, तब तक तुम बैठ जाओ, हारी थकी आराम कर लो। देखो कितनी अच्छी छाई है और हवा भी चल रही है, मैं देखूंगा यहाँ माली होगा बाग में। ठीक है महाराज, मुझे बहुत भूख लगी है तो। हाँ इंतजाम कराऊंगा। इस साथ में आवाज आ रही है माली जैसी,
अरे ले गए बेटा गुंचर बनी बनाई आप तो मालिका इनमें देख लीजिए मालिका कर्तव्य है भैया अरे माली भैया जयराम जी की कैसी जयराम जी की आपसे करते हैं हमसे और क्या भैया कौन है तू आ? अरे कौन है अरे यार उनके सीधे है तो इंसान तुम्हें दिखाई नहीं देता है अरे इंसान है तो जा बता जा बाग में कैसे घुसे आओ भैया बाग में हाँ। यार मैं सफर का मारा जा रहा और बगीचा में आ गए मैंने कुछ आराम करेंगे अरे मान जा देखिए भैया बगीचा मारा बगीचा तेरे बाप का है नहीं हमारे बाप का नहीं है आप बाग के देखिए बगीचा का मालिक तो कोई और हो लेकिन जिम्मेदारी आपकी है हाँ, मैं बाग में रहता हूँ है? मैं यहाँ सीध बार करता हूँ देख बार करता हूँ भैया हाँ, एक बात बताओ ये बगीचा है किसका बगीचा राजा मानसिंह का है अच्छा राजा मानसिंह का है हाँ, तो एक बात बताओ उनके घर में कहाँ की है लड़की अरे तो का मतलब पर अरे यार हम बूझ रहे हैं जब तब तो का लेने देने देखिए ऐसा है तू रिश्तेदारी खोज रहे हो यहाँ रिश्तेदारी वाली बात नहीं है हम यहाँ से कहीं आगे जाएंगे हाँ। तो हम ये कहेंगे भैया हम शहर माननगर में पहुँचे राजा मान सिंह के बगीचा में बड़ा अच्छा माली था उसने हमें रुक लेने दिया ना, हम अच्छे बच्चे ना भैया हमारे राजा ने सुन ली तो हमारी हुई मार अच्छा तो माली बता दे यार कहाँ की लड़की है कहाँ की लड़की है हाँ अरे वो तो शहर नरवर की है नरवर की तो माली ऐसा है यहाँ बिहाई है हाँ देखिए माली मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ हाँ बताओ आप इतने नाराज क्यों नाराज मैं इसलिए है हाँ भैया तू गैया कैसे उतनो और फिर रहो यहाँ तुझे बागम घुस के जाओ अरे यार ये समय की बात होती है देखिए माली ऐसा वक्त अगर इस वक्त पड़ता है इंसान पर तो इंसान का चीज है घर बार भी बदल जाता है अरे भैया बात सुन हमें तेरी रामायण से मतलब ना तू निकल ले बेटा भैया यार रुक जाने दे यार ठहर जाने दे ना समझ लियो देखिए भैया मैं गुस्सा को बहुत हराम ये समय की बात है मेरे भैया सुनने वालों ये बोई माली है आज डंडा दिखा रहा है और बहन रिद्या के विवाह में मैंने ये दहेज में दिया है जो बहन के बाग की हिफाजत करने के लिए और बहन के लिए हार बना करके बहन के गले में डालने के लिए बहन के लिए फूल ले जाने के लिए फूलों से सज्जा सजाने के लिए मैंने हिफाजत में दिया है आज समय की बात है ये माली मुझे डंडा दिखा करके दब रहा है भगा रहा है बाग से माली तुम किसी की पहचान नहीं जानते पहचानने के ताए मेरी कोई रिश्तेदारी है नहीं रिश्तेदारी नहीं है फिर अगर हो सकती है खुदा ना खास्ता बाजी समय जान पहचान निकल आती है ये ऐसे कैसे निकल आ भाई माली जान ना पूछ तू मेरे मेहमान ये कोई बात है तुम भी माली नरवर के रहने वाले हो हाँ हाँ ये तो मुझे अंदाजा है अंदाजा हाँ अबे तू कैसे मालूम अरे सुन ले यो ही आते ही क्यों भाई गांव में दूर दूर तक आवाज हो जाते हाँ राजा महाराजों में बड़े बड़े राजा महाराजाओं का नाम होता है तो उसी के हिसाब से संतरी मंत्री और सबका नाम बखान होता है हाँ तो सुन लियो ही क्योंकि कोई नव काम करे भैया तो आवाज बहुत दूर तक जाते है कहाँ साफ फलाने ना जे चीज दे और भैया सुन लियो ही तन हाँ हमारा तो कहीं घरी भर नहीं है हम तो यार ऐसे ही मारे तितारे फिरते हैं मतलब हमारा ये है हम यार देखो हमारे रानी भी साथ में है रानी हो हाँ हम दो प्राणी हैं दो प्राणी हाँ अच्छा अरे तुम दोनों कुछ आई हमें हाँ दोनों हैं तुम निकल लो बेटा जल्दी भैया हो तेरे नवरे करे माली यार इतना परेशान मत करे आखिर के लिए किसी ने कहा है संजा समय दुख ना दीजिए काऊ
अगर दुश्मन आवे द्वार बैठना दीजिए, बाऊ इंसान है भैया उनके सीधे। हाँ मालिक का ऑर्डर है। अच्छा भाई कोई बाहर का आदमी बाग में ना घुसे तो हम कुछ नुकसान थोड़े ही करेंगे भैया। नुकसान करने के था कोई पतो तेरी है? तेरे माथे पे लिखी है, है? तो कोई तो ले फल ही फल, ये सब पके हुए फल लटके वहां से। मेहरबान हो भाइयों, ज्यादा दुख देख करके श्री राजा नल माली से कहने लगा, बारा माली। हाँ भैया, तेरे लिए शर्म और गैरत का पता नहीं है। मैंने जिस दिन बहन का विवाह किया तुझे मैंने दहेज